ये तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल से तो तुम समझ गए होगे, आज हम बात करने वाले वियर्डेस्ट इंडियन स्ट्रीट फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि कुछ ऐसे हैं। भाई यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, ये कुल्हड़ आके कुल्हड़ के ऊपर यहाँ पे दे दिया गया पहले से रसगुल्ला। देखिए यहाँ का मोस्ट पॉपुलर ये रसगुल्ला चाय लगने जा रहा है। ये दे दिया गया गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ के अंदर, इसके अंदर रसगुल्ला। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। रसगुल्ला ऊपर आ चुका है, तो चलिए चलते इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा ये खाने में। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से चुमक चमक का यहाँ पे रसगुल्ला चाय, ये बहुत यूनिक चाय है, मैं पहला बार देख रहा हूँ। भाई यार ना रसगुल्ला खाने लायक छोड़ा ना चाय पीने लायक छोड़ी। ये जो बंदा चाय रसगुल्ला बना रहा है ना, इसको इंस्पिरेशन मिली है मैकडी के कोक फ्लोट से, कि भाई वो टेस्टी था तो ये भी टेस्टी लगेगा। वेल डन। नॉर्मल है गाइस, ये तो मैकडी के कोक फ्लोट से इंस्पायर्ड है। मतलब यार कोई ये चाय पीता भी होगा, तुम सोचो अगर कोई एक्चुअली में बंदा ये चाय ऑर्डर करे और वो पीने लगे तो क्या होगा। एक तो ये सारी मिठाई के डिशेस के साथ ही क्यों खेल रहे हैं? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मुझे लगता है पता है क्या हुआ होगा, एक बंदा ना ढाबे पे गया होगा, उसने ऑर्डर किया होगा भैया मुझे गुलाब जामुन और पराठा दे दो। भाई ढाबे वाले ने कहा दोनों मिक्स करके देता हूँ, इसको क्या ही पता चलेगा। तुम्हें कैसे पता चला? और भाई ने गुलाब जामुन डालने तक नहीं रुका, उसके ऊपर चाशनी भी डाली है। अब बस इसके साथ उसने मैगी ऑमलेट शेक ना ऑर्डर कर दिया। आइसक्रीम बर्गर, ओके नहीं वॉफल है ये। छोड़ो फेड़। This is day 27 of me trying weird food combinations. और आज हम दो weird food combinations try करेंगे। So the first combination is spicy momos and chocolate sauce. हाय हाय भाई कौन खा सकता है यार चॉकलेट सॉस के मोमोज। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। Highly requested combination for some reason. So मुझे फर्स्ट बाइट लेने के बाद exactly समझ नहीं आ रहा था whether I hate it or not. इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और चॉकलेट सॉस लगाया and I took another bite. Overall not that bad, 6/10. ही भाई 6/10 यार। एक मोमोज एकदम दिल्ली वालों की फेवरेट डिश है, उसके साथ भी ऐसा कर दिया यार, चॉकलेट सॉस के साथ डाल दिया। ओ भाई वैसे मोमोज ना चीज ही ऐसी है, इसके साथ इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, क्या क्या कैसे कैसे मोमोज आ रहे हैं यार आजकल। एक तो यार उसके अंदर फिलिंग अलग कर रहे हैं, तो मोमोज तो डिजर्व करता है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हाय हाय मतलब भाई तुम लोग ये बनाते हुए सोच क्या रहोगे कि लोगों को कैसा लगेगा। वाओ यार ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, डोसे के अंदर आइसक्रीम, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। वाओ मतलब मैं लिटरली उनका माइंडसेट जानना चाहता हूँ, कौन है ये लोग, कितने स्टूपिड लोग हैं। तो आज हम बनाएंगे पेस्ट्री मैगी। तो ये आ गया पेस्ट्री, ये आ गए वेजीज, और अब जाएगी इसमें पेस्ट्री। ये डाल दिया और ये हो गया। पहली बता रहे नीचे कॉशन, डोंट ट्राई दिस एट होम। अबे तो फिर बना क्यों रहा है। और ये थोड़ा सा और पानी, गार्लिक पाउडर होगी इसकी प्लेटें। ये देखो कितनी गंदी लग रही है, ऐसी गोबर चीज आपको कहीं इसकी गार्निशिंग। अबे भाई मतलब कितना खुश होके बता रहा है, अब आ गई मैगी, अब आ गई पेस्ट्री, जैसे कि पता नहीं क्या बहुत अच्छा कुछ डिस्कवर कर लिया उसने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और एक मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन के मामले में हमेशा मैगी कहाँ से आ जाती है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मतलब कोई भी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन उठा के देख लो उसमें मैगी जरूर होगी, जैसे पेप्सी मैगी, पेंटा मैगी, अब पता नहीं कुरकुरे मैगी। मतलब मैगी से क्या दुश्मनी है, मुझे क्यों तोड़ा। वैसे मैगी पेस्ट्री से याद आया, मैंने ना एक बार वो खाई थी आइसक्रीम विद केचप, उसकी एक वीडियो भी होगी। ईट आइसक्रीम विद केचप।
आइसक्रीम के साथ केचप कौन खाता है यार? ये कैसा डेयर हुआ? नहीं तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी डेयर दे दोगे? और मैं इतना पागल लगता हूँ कि मैं वो डेयर करने भी लगूंगा? ये चीज तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं। आज मैं खाने वाला हूँ आइसक्रीम विद केचप। तो आओ चलो शुरू करते हैं। ये भगवान क्या जुलुम है। भाई मजाक से हटके मैंने इसको एक्चुअली में खाया था। और तुम्हें जितना ये सुनने में वियर्ड लग रहा है ना आइसक्रीम विद केचप, उतना ही वियर्ड इसका टेस्ट भी है। पर टेस्ट बुरा नहीं है। मैं नहीं मानता, क्योंकि आइसक्रीम ऑब्वियसली आइसक्रीम है तो मीठी तो होगी, लेकिन उसमें जब टोमेटो सॉस डाली ना तो वो एक तरह से ना टैंगीनेस नहीं होता, चटपटाहट वाली आइसक्रीम के मिठास के साथ ना मतलब अलग ही टेस्ट लगा। और मैंने एक्चुअली में जो सोचा था उससे टेस्टी निकली। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ मार्केट में इतने वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन आ गए हैं कि कुछ भी आ रहा है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। मतलब जो तुम सोच सकते हो ना वियर्डेस्ट से वियर्डेस्ट उसका कॉम्बो बना के लोग खा भी रहे हैं। जैसे अगर मैं कुछ वियर्डेस्ट से वियर्डेस्ट सोचूं तो वाटरमेलन खिचड़ी पक्का बता रहा हूँ किसी ना किसी ने बनाई होगी। वाटरमेलन खिचड़ी अभी मैंने सर्च भी नहीं किया और पहले ही सर्च रिजल्ट आ रहा है वाटरमेलन खिचड़ी कैसे बनाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए